गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.1। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच इज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। फर्स्ट है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। सेकेंड है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। तो फर्स्ट देखते हैं किस बॉक्स का एरिया लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है तो लेटरल सरफेस एरिया या सी एस ए बात देखिए, तो हम सी एस ए ऑफ क्यूब या लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 4a स्क्वायर होता है। तो 4 और इसकी एज कितनी है 10, तो 10 का ये स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर ये हो गया 100, तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए क्यूबॉइड का, तो सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ और मल्टीप्लाई हाइट। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ है इसकी 12.5 और प्लस ब्रीथ है इसकी 10 और हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई प्लस किया इसको तो 22.5 और मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई किया इसका 2 5 10 2 2 4 और 5 और 2 2 4 मल्टीप्लाई 8 फिर मल्टीप्लाई किया 8 5 40 0 4 कैरी 8 4 32 और 4 36 तो 362 सेंटीमीटर पर आ गया। डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस है देखिए 400 माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस किया इसको तो ये कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, तो विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल, तो किसका ज्यादा है क्यूब का, तो क्यूब हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। द क्यूबिकल बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका टोटल सरफेस एरिया छोटा है, इसका देखते हैं। सेकंड है तो टीएसए ऑफ क्यूब देखते हैं। टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, तो 6 साइड दी इसकी 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टीएसए ऑफ क्यूब निकाल लिया। अब देखिए टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड होता है 2lb bh hl, तो ये हो गया 2 लेंथ दी इसकी 12.5 और ब्रीथ है इसकी 10 और प्लस ब्रीथ है इसकी 10 और हाइट है 8 और प्लस हाइट है 8 और लेंथ है 12.5। इसको देखिए 2 प्लस किया ये हो गया 22.5 प्लस मल्टीप्लाई किया इसका 80 और प्लस इसका किया 8 5 40 8 2 16 16 और 4 20 0 2 8 1 8 और 2 10 100 आ गया जी। इसको तीनों को प्लस किया यह आपका 22.5 80 और ये 100 ये 0 डेसिमल 0 ये 5 ये 2 ये 8 और 2 10 0 1 2 202.5 यह आ गया 2 मल्टीप्लाई 202.5 मल्टीप्लाई किया 2 5 10 2 2 4 5 और 0 2 2 4 405 यह आ गया आपका 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए इसका मल्टीप्लाई, सॉरी यहां पर ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 2 मल्टीप्लाई ये आ गया 125 प्लस 80 और प्लस इसका करेंगे 12.5 का आपको करेंगे तो इसका आपका आगा ये आपका 100 आया था, सॉरी यहाँ पर ये 100 आया था और इसको प्लस किया दोबारा से हमने 125 80 और ये 100 5 और ये 305 तो ये आगा हमारा 305 मल्टीप्लाई किया 2 5 10 1 कैरी और ये 1 2 3 6 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंस देखते हम, डिफरेंस है 610 माइनस के 600
सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस किया जा गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉलर किसका है? क्यूब का। तो द क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर, द क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिफरेंस है इसका। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 13.1। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पैनल्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टैप। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। फर्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? और सेकंड, हाउ मच टैप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस? तो एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, हर्बेरियम है, जिसकी की लेंथ दी है 30 सेंटर, ब्रीथ दी है 25 और हाइट दी है 25। तो इसके एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करते हैं। फर्स्ट है, तो देखिए लेंथ दी है 30, ब्रीथ 25 और हाइट 25। तो यहां पर हम एरिया ऑफ द ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास मतलब टीएसए, हम टीएसए निकालेंगे क्यूबॉइड का, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या होता है? 2 LB BH और HL। तो यहां पर देखिए 2 लेंथ दी है इसकी 30 और ब्रीथ दी है 25, प्लस ब्रीथ 25 और हाइट भी 25, और हाइट 25 और लेंथ है 30। 2 मल्टीप्लाई किया 25 3 या 75, प्लस 25 का 25 से किया जा गया 625 और 25 3 या 75 और ये 0, प्लस किया 75 और 75 100, जो कितना 1500 हो गया, और 625 तो ये आ गया 2125। तो 2 मल्टीप्लाई 2125, इन तीनों प्लस किया, मल्टीप्लाई किया 2 5 10, 1 carry 2 2 4 5 2 1 2 और 2 2 4 4250 सेंटर स्क्वायर आ गए थे एरिया। अब देखिए हाउ मच टैप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। 12 एजेस मतलब लेंथ कितनी है? 1 2 3 4, 4 लेंथ है। ब्रीथ कितनी है? यहां पर 4 ब्रीथ हो जाएंगी, ठीक है ना, और 4 कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो देखिए, तो यहां पर आपको क्या फाइंड करना है? यहां पर आपको फाइंड करना लेंथ, फाइंड करना लेंथ ऑफ द टैप है, टोटल लेंथ ऑफ द टैप, टोटल लेंथ ऑफ द टैप, टैप की लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर आप टैप देखिए, ये आपकी 1 2 3 4 ऐसी ब्रीथ हो जाएगी, 1 2 3 और ये 4, हाइट भी 1 2 3 और ये 4 हाइट। तो 4 लेंथ हो गई, 4 ब्रीथ और 4 आपकी हाइट हो गई। तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो लेंथ प्लस ब्रीथ और प्लस की हाइट। तो 4 लेंथ है हमारी कितनी है? 30, ब्रीथ है 25 और हाइट भी है 25। तो 4 मल्टीप्लाई प्लस किया, ये हो गया 50 और 30 80, मल्टीप्लाई किया 4 8 32 3 320 सेंटीमीटर, इतना टैप नीडेड होगा। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 13.1। प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टार्पोलिन दैट कवर्स ऑल द फोर साइड एंड टॉप ऑफ द कार फेस एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, अज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल। हाउ मच टार्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशन 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर। तो देखिए यहां पर एक प्रवीण वांट टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर, टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहता है टार्पोलिन का। तो यहां पर देखिए इसका जो डायमेंशन दिया है, लेंथ और ब्रीथ दिए 4 मल्टीप्लाई 3 और जो हाइट दी है 2.5 मीटर की, और जो नीचे क्या है ऊपर बॉक्स स्ट्रक्चर कवर ऑल द साइड एंड टॉप, ये चारों साइड से कवर है और टॉप पर है, नीचे ओपन है। तो हम क्या करेंगे यहां पर फाइंड करते हैं हम। तो इसका है आपका सीएसए ऑफ टोटल एरिया ऑफ द टार्पोलिन, सॉल्यूशन करेंगे टोटल एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ टार्पोलिन इक्वल टू, देखिए तो चारों साइड ले लेंगे हम सीएसए ऑफ, सीएसए और प्लस एरिया ऑफ टॉप,
एरिया ऑफ टॉप। तो सी एस सी को जाएगा क्यू बट का टू एल प्लस बी इंटू एच और एरिया ऑफ टॉप को जाएगा एल इंटू बी। अब देखिए टू लेंथ, लेंथ कितनी है, लेंथ है 4 मीटर और ब्रीथ है इसकी 3 और हाइट कितनी है 2.5 और लेंथ कितनी है इसकी 4 और ब्रीथ है 3। देखिए 2 4 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 7 और मल्टीप्लाई 2.5 और प्लस 4 3 है 12, 2 7 या 14 मल्टीप्लाई 2.5 और प्लस 12 मल्टीप्लाई किया 25 4 या 100 10 25 और 10 35 और डेसिमल बन के बाद प्लस 12 प्लस किया तो ये आपका आ जाएगा 47 मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया आएगा इसका 47 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा PAU। तो ये आपका आंसर हो गया।